Hello students, hi and welcome to An Academy Sapiens. And students, we are again back with a very very awesome series जो कि हम लोग यहाँ conduct कर रहे हैं. We are solving each and every paper of NTA. Students, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. And the thing is, what we need to learn the type of questions what NTA expects the students to solve. तो student, ये बहुत important है कि बहुत ही नए type के questions यहाँ पे आ रहे हैं. और जो questions हैं उसमें no doubt many questions are from NCERT, many questions are very very easy, but there are at least 30-40% questions which are out of NCERT also. कम से कम 30% questions जरूर out of NCERT हैं. तो students, हम लोग को एक नई strategy तैयार करनी होगी, उस पर भी मैं एक video लेकर जरूर आऊंगा. आज हम लोग solve करने वाले हैं NTA ने जिस paper को release किया है, paper number 4. सबसे पहले बता दीजिए अगर आपको मेरी आवाज बिल्कुल clear आ रही है, I am audible and visible to all of you. चलिए सर, जल्दी से सारे जगह लिंक को शेयर कर दो, सारे जगह लिंक को शेयर कर दो. यस सर, everything is perfect, everything is perfect. चलिए everyone, come on, let's join the session as fast as possible. सारे लोग जल्दी जल्दी सेशन को ज्वाइन कर लीजिए, ओके, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो. मजा आने वाला है. तो स्टूडेंट्स, मैं भी थोड़ा सा लिंक को शेयर कर देता हूं. ओके सर, चलिए. सो दैट्स अ नाइस थिंग, दैट्स अ नाइस थिंग. ओके सर, लेट्स बिगिन द सेशन, लेट्स बिगिन द सेशन. ओके सो स्टूडेंट, सबसे पहली बार मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल, दैट इज द सिटी ऑफ बायोलॉजी, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए. आन स्टूडेंट्स, अगर आपको अन अकेडमी पे एडमिशन कराना है, अगर आपको अन अकेडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है और आप मेरे से डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, यू कैन सिंपली हैव अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस व्हाट्सएप नंबर और आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे को मैसेजेस कर सकते हैं. आई विल श्योरली रिप्लाई यू. इवन आप अपने डाउट्स के स्क्रीन शॉट भी इस नंबर पे भेज सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट, ओके, कि भाई आपको कम से कम एक से दो दिन के अंदर में आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाए. तो स्टूडेंट्स, यू कैन डिस्कस बट ओनली एंड ओनली नेट रिलेटेड क्वेरीज, ओके. चलिए सर, तो लेट्स बिगिन द टेस्ट. स्टूडेंट्स, ये है मेरा प्यारा सा कोड आरके सर लाइव. इसको यार आप लोग यूज नहीं करते हो, प्लीज स्टार्ट यूजिंग दिस ब्यूटीफुल कोड आरके सर लाइव. आपको मिलेगा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट एंड यू स्टूडेंट यू विल ऑल्सो गेट अ चांस टू स्टडी कंप्लीट बायोलॉजी फ्रॉम मी अंडर माई गाइडेंस. ओके चलिए, पहला क्वेश्चन आ रहा है ऑन द स्क्रीन कमिंग अप. चलिए देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं. ओके सर, चलिए, ये सबसे टफ क्वेश्चन को मैंने सबसे पहले यहां पे लिया है. सबसे टफ वाले क्वेश्चन को सबसे पहले मैंने यहां पे लिया है. कम ऑन ट्राई टू आंसर मी दिस क्वेश्चन. ओके, ये जो एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अजीबो गरीब क्वेश्चन पूछा गया था और दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू ऑल टू सॉल्व. ओके, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है, लेट मी सॉल्व इट फॉर यू ताकि सारे लोग समझ जाएं. देखिए क्वेश्चन क्या था, ये द रेशियो बिटवीन द 2 कार्बन एंड द 3 कार्बन इंटरमीडिएट्स हैविंग अ NH2 ग्रुप फॉर्म्ड इन द फोटोसिंथेटिक ऑक्सीडेशन साइकिल. तो फोटोसिंथेटिक का जो ऑक्सीडेशन साइकिल है, एक्चुअली दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट, दे आर टॉकिंग अबाउट फोटोरेस्पिरेशन, दे आर टॉकिंग अबाउट फोटोरेस्पिरेशन. नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट्स को फोटोरेस्पिरेशन के स्टेप्स याद करने भी नहीं बोलता क्योंकि जनरली क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है सर, बट यहां पर वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया है. तो स्टूडेंट्स, जब आप इस चीज को देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आप देखिए कि जो फोटो रेस्पिरेशन है उसमें 3 ऑर्गेनल्स आर इन्वॉल्व. सबसे पहला क्लोरोप्लास्ट, उसको छोड़ दीजिए अभी के लिए. क्लोरोप्लास्ट से ग्लाइकोलेट एंटर किया इन द पेरोक्सीजोम, उसके बाद दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइऑक्सिलेट एंड देन दिस गेट्स कन्वर्टेड इनटू द ग्लाइसिन. तो ये जो ग्लाइसिन है, ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है. नाउ स्टूडेंट, व्हाट हैपेंस कि ये 2 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है, दिस इज गोइंग टू एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया. अब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन, याद देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाइसिन, दे आर गोइंग टू रिएक्ट एंड दे विल फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन, दे विल फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ सेरीन. तो जो सेरीन है, ये 3 कार्बन का हो गया, बट ये कितना बना है, ये केवल 1 बना है. और ये जो तुम्हारा ग्लाइसिन है, ये 2 कार्बन का हो गया, ये कितना रिक्वायर्ड था, ये रिक्वायर्ड था 2. तो आंसर विल बी 2:1. याद देखिएगा
कि जब ये तुम्हारा ग्लाइसिन कन्वर्ट होता है इनटू सेरीन, तो इसी स्टेप में यू विल सी दैट वन कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो रिलीज्ड। नो डाउट वी नो दैट फोटो रेस्पिरेशन में CO2 का भी रिलीज होता है, तो ये यही वाला स्टेप है जहां पे कि ये रिलीज होगा। तो स्टूडेंट्स इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, हो सकता है कि यहां से भी क्वेश्चन आ जाए। चलिए सर जी, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबॉडी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, सम कॉमन मेरिन फिशेस, सम कॉमन मेराइन फिशेस आर, ओके सर कम ऑन आंसर दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन, सम कॉमन मेराइन फिशेस आर, ओके गुड इवनिंग एवरी वन, गुड इवनिंग एवरी वन, कम ऑन गो, ओके सबके नाम लेंगे यार, सबके नाम लेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चंस भी बार बार आता है, तो आप हमेशा याद रखिए जो हिल्सा है, जो मैक्रल है, जो पॉम्फ्रेट है, ये सारे के सारे मेराइन फिशेस है, ओके। बट आपको ये पता है तो साथ में स्टूडेंट आप ये भी पता रखिए कि जो इंडियन रिवर्स है, जो इंडियन पॉन्ड्स हैं, जो कि फ्रेश वाटर है, वहां पर कौन से कॉमन फिशेस होते हैं, वहां से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लेके रखे रहिए, द इनलेट फ्रेश वाटर फिशेस इन द इंडिया। तो यार इसका नाम याद रखिएगा, ये कुछ कॉमन है जो बार बार क्वेश्चन पेपर में अपीयर करता है। रोहू का नाम याद होना चाहिए, काटला का नाम याद होना चाहिए, मागुर का नाम याद होना चाहिए एंड टेंगरा का नाम याद होना चाहिए। इसके कुछ और भी कॉमन नेम्स हैं, ये भी याद करके रखिए, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इसका भी स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखिए। रोहू को हम लोग लेबियो बोलते हैं, कैटला इज द इंडियन कार्प, टेंगरा इज द मिस्टर्स टेंगरा एंड मागुर इज द वॉकिंग कैटफिश, ओके। तो ये पूरा का पूरा पता होना चाहिए। इनलेट फ्रेश वाटर, वहां पे जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में सारे के सारे मेराइन है, तो मेरिन में आप इन लोगों का नाम याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन में यही पूछेगा, और हमेशा इनलैंड के लिए यू शुड रिमेंबर दीज ऑल नेम्स, ओके सर। चलिए एक बार स्टूडेंट्स आपने ये भी समझ लिया, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, द स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल का फीचर बताना है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द स्मूथ मसल्स। तो सारे लोग, चलिए सर ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए, ओके ओके सर ईद मुबारक, ओके असरफुल आप सभी को ईद मुबारक, ओके। चलिए स्मूथ मसल्स आर, कम ऑन एवरीवन, स्मूथ मसल्स आर, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स जो ये स्मूथ मसल्स होते हैं, इसको हम लोग विसरल मसल्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड द विसरल मसल्स, क्योंकि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स सबको पता होना चाहिए कि ये देखने में कैसा लगता है, ये देखने में इस तरह का स्पिंडल शेप लगता है, ये इनवॉलेंट्री है, स्पिंडल शेप है, इसीलिए ये फ्यूजी फॉर्म है, इसमें किसी प्रकार के स्ट्राइशंस नहीं है, इसी कारण से ये स्मूथ है। और क्या पता होना चाहिए कि इसके पास केवल और केवल एक न्यूक्लियस होता है, दिस इज ऑल्सो यूनी न्यूक्लिएट, दिस इज यूनी न्यूक्लिएट, यू शुड नो। चलिए सर जी वेरी वेरी गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अच्छा अगर मान लीजिए स्टूडेंट मैं इसमें सेम क्वेश्चन आपसे पूछूं कौन सा आंसर स्केलेटल मसल के लिए सही है, कौन सा आंसर स्केलेटल मसल के लिए सही है, बताइए विच आंसर इज करेक्ट फॉर स्केलेटल मसल, दिस इज अ शॉर्ट आउट क्वेश्चन, चलिए दिस इज अ शॉर्ट आउट क्वेश्चन, विच वन ऑफ देम, ओके ओके स्केलेटल मसल के लिए कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है, कम ऑन, waiting for the answers, waiting for the answer, hi Manish Soni, very good Manish Soni, Bittu Singh, excellent jawab, okay very very good, to bhai these were the two people who gave it the fastest answer, Manish Soni and Bittu Singh, excellent answer, to bhai question kya tha, question was the skeletal muscle, maine pucha tha skeletal muscle, ye voluntary hota hai, ye multinucleate hota hai, aur ye bhi kya hota hai, cylindrical hota hai।
अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाए कार्डियक मसल के लिए तो क्या आंसर होगा, अगर सेम क्वेश्चन पूछा जाए कार्डियक के लिए तो थर्ड नंबर आंसर होगा इनवॉलेंट्री है, सेमी सिलिंड्रिकल है और दिस इज ऑल्सो स्ट्राइटेड बट इनवॉलेंट्री है। ओके सर मजा आ गया, ओके वेरी वेरी गुड, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एंजाइम्स दैट कैटेलाइज द ट्रांसफर, enzymes that catalyze the transfer of molecules accept H, O and electrons, ये लोग ट्रांसफर करेंगे बट H को नहीं करता है, O को नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन को नहीं करता, बताइए कौन है, कौन है ये, कौन है ये, कम ऑन एवरीबडी, कम ऑन एवरीबडी, नाइस, कम ऑन बी क्विक, कम ऑन बी क्विक एवरीबडी, ओके वेरी वेरी गुड। तो भाई अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो यू आर गोइंग टू बी ट्रांसफरेज, लेकिन अगर स्टूडेंट सेम क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, सेम क्वेश्चन को मैं चेंज करूं, दिस इज अ शॉर्ट आउट क्वेश्चन दैट इफ यू ट्रांसफर एच ओ एंड इलेक्ट्रॉन, अगर आप ट्रांसफर करते हैं तब आपको क्या बोलेंगे, कम ऑन एवरीवन, देखते हैं कौन लोग आंसर देते हैं, कौन लोग आंसर देते हैं अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो, ओके कम ऑन वेटिंग फॉर द आंसर्स, कम ऑन वेटिंग फॉर द आंसर्स, अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो अभी तक आंसर नहीं आया, अभी तक आंसर नहीं आया, शॉर्ट आउट क्वेश्चन में नो वन इज गेटिंग सेलेक्टेड, नो वन इज गेटिंग सेलेक्टेड, क्या हो रहा है यार, क्या हो रहा है, अभी तक आंसर नहीं आया, रियली सॉरी, क्या बात है यार, क्या बात है, कर क्या रहे हो, अगर आप ऑक्सीजन को ट्रांसफर करते हो, हाइड्रोजन को करते हो, इलेक्ट्रॉन को करते हो तो आप किस कैटेगरी में आओगे, आप किस कैटेगरी में आओगे, अरे छोड़िए यार छोड़िए, यस सर यस यस नाउ गॉट द आंसर, अनुपमा धरुवा, ओके अनुपमा एक्सेलेंट जवाब, दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सीडो रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ओके अरे यार पूरा पूरा पढ़ो, पूरा पूरा पढ़ो, ठीक है, अगर हाइड्रोजन को करोगे ऑक्सीजन को करोगे तो यार ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी क्लास नंबर वन, ओके चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, गेट रेडी एवरीबडी, गेट रेडी एवरीबडी, चलिए सर इस क्वेश्चन को बताइए, इस क्वेश्चन को बताइए, प्राभानी क्रांति, याद देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है अबाउट द पारभानी क्रांति, अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने यहां लिख दिया पारभानी क्रांति, कम ऑन एवरीवन आंसर मी दिस क्वेश्चन, आंसर मी दिस क्वेश्चन, पारभानी क्रांति, ओके वेरी वेरी गुड, गॉट दिस, नाइस वन। चलिए सबसे पहले ये जो पारभानी क्रांति है ये किसका टाइप है, तो ये है भिंडी भाई, भिंडी ओकरा ओकरा, ओके सर, एंड याद रखिए कि भाई ये क्या चीज से रेजिस्टेंस है, येलो मोजाइक वायरस, क्या कोई बता सकता है कि कैसे बनाया गया, कैसे बनाया गया इसे येलो मोजाइक वायरस से रेजिस्टेंट, एनीवन एनीवन इन द कमेंट सेक्शन, एनीवन इन द कमेंट सेक्शन, हाउ टू मेक इट, How to make it? Waiting for the answers. Waiting for the answers. अभी तक आंसर नहीं आया. अभी तक आंसर नहीं आया. अभी तक आंसर. नहीं नहीं नहीं. गलत जवाब. गलत जवाब. बिल्कुल गलत जवाब. बिल्कुल गलत जवाब. This is not mutation breeding. This is the transfer of the gene. इसमें जीन को ट्रांसफर किया गया था, ठीक है? यहाँ पे answer will be the transfer of the gene, not mutation breeding. Okay. चलिए, let's go for the next question. Let's go for the next question now. Come on. चलिए इस question को देखिए. ये बहुत ही सुंदर question है. ये बहुत ही सुंदर सा question दिया गया. Study the mRNA segment given above, which is to be completely translated into the polypeptide chain. Codons for A and B. यहां पर A है और यहां पर B है. आपसे पूछ रहा है कि इनके codons क्या होंगे? इनके codons क्या होंगे? चलिए चलिए जल्दी जल्दी answer कीजिए. Come on everyone, answer me this question. ओके गुड, तो यार आपको हमेशा ट्रांसलेशन को स्टार्ट करना होगा विद द इनिशिएशन कोडोन, तो इनिशिएशन कोडोन क्या होता है, इनिशिएशन कोडोन इज ए यू जी,
और अगर आपको एंड करना है यू शुड हैव अ स्टॉप कोडोन, तो स्टॉप कोडोन कैन बी, व्हाट आर द स्टॉप कोडोन्स, UAA, UAG, UGA. तो यहां पर आंसर इज द सी वन, AUG एंड UAG, स्टार्ट कोडोन, स्टॉप कोडोन. ओके सर, चलिए लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ कमिंग अप ऑन द स्क्रीन. चलिए The results of the light reaction are, results of the light reaction, light reaction में क्या क्या बनता है, light reaction में क्या क्या बनता है, come on everyone, what are the results for the light reaction, चलो चलो चलो, come on everyone, okay good, तो light reaction gives you ATP, no doubt about that. It gives you NADPH2, no doubt about that. Answer will be the C1. चलिए, good. ऐसा नहीं है कि questions tough हैं यार. बहुत सारे questions easy भी हैं. ये रहा next question. चलिए, ये question क्या बोलता है? देखिए, question क्या बोलता है? An extra chromosomal self-replicating part of the cell that has been proven to be a boon to biotechnology. क्या बोला है? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल. आप लोग तो यार यही वर्ड देख के समझ जाते हो, सेल्फ रेप्लिकेटिंग वर्ड देख के ही समझ जाते हो. तो भाई ये कौन है, मैं इसमें और ऐड कर देता हूं, ये है सर्कुलर, ये है सर्कुलर, और ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. हु आर यू? आई एम अ प्लाज्मिड, आई एम अ प्लाज्मिड. ओके सर, कम ऑन, गुड वन, गुड वन. सारे लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सही आंसर दे रहे हैं. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन. चलिए इस क्वेश्चन को देखिए. द थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन, क्वेश्चन बोलता है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सेलेक्शन. अगर नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सेलेक्शन. दिस वॉज गिवन बाय, दिस वॉज गिवन बाय, जल्दी से आग लगाइए एवरीबडी. ओके, चलो बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे, बीच बीच में क्वेश्चंस आएंगे. ओके सर, डी फॉर डार्विन. यस सर, डी फॉर डार्विन जी का ये काम है. तो स्टूडेंट्स, द थ्योरी ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन दैट एक्सप्लेन्स द अपीयरेंस ऑफ द न्यू फॉर्म्स ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ वॉज गिवन बाई डार्विन. ओके, चलिए सर, शॉर्ट आउट क्वेश्चन दे रहे हैं, शॉर्ट आउट क्वेश्चन दे रहे हैं. आप लोग मेरे को बताइए कि ओपेरिन एंड हेल्डन ने कौन सा थ्योरी दिया था, व्हाट थ्योरी वॉज गिवन बाय ओपेरिन एंड हेल्डन. चलो कम ऑन, कम ऑन, आंसर में आग लगाइए. ओके, वेटिंग फॉर द आंसर्स, वेटिंग फॉर द आंसर्स. दिस इज अ शॉर्ट आउट क्वेश्चन. जो लोग भी आंसर देंगे उनका नाम लिया जाएगा. ओपेरिन एंड हेल्डन गेव विच वन, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, स्वान फ्लास्क, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. आपको लग रहा है, आपको लग रहा है, स्पॉन्टेनियस जनरेशन. यस, चाहत शर्मा, थोड़ा सा सही हुआ. केमिकल इवोल्यूशन, वेरी गुड, केमिकल इवोल्यूशन. ओके सर, तो द आंसर इज गोइंग टू बी द केमोजेनेसिस. दे गेव द थ्योरी ऑफ केमोजेनेसिस, दैट इज द केमिकल इवोल्यूशन, केमिकल इवोल्यूशन. अच्छे से पढ़ाई करो यार, अच्छे से पढ़ाई करो एवरीवन. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब तो सारे लोग आंसर दे रहे हैं, अब तो सारे लोग आंसर दे रहे हैं. चलिए, एक्शन ऑफ द वेजाइनल डायफ्राम, क्वेश्चन पूछा है वेजाइनल डायफ्राम के बारे में. ओके, डायफ्राम देखने में ऐसा लगता है, ये तो मैंने अभी अभी पढ़ाया था कुछ दिन पहले. चलिए अब बताइए क्या है. ओके, एनटीए हर रोज प्रोवाइड करेगा सर, हर रोज एक टेस्ट लेके आएगा. एनटीए हर रोज एक टेस्ट लेके आएगा, टोटल 6 टेस्ट आ चुके हैं. ठीक है, ओके, कम ऑन, आंसर दिस. यस सर, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. तो स्टूडेंट्स, द एक्शन ऑफ द वेजाइनल डायफ्राम, द एक्शन ऑफ द वेजाइनल डायफ्राम, ये क्या है? दिस इज अ बैरियर मेथड. कैसा बैरियर है? फिजिकल बैरियर. सिंस ये फिजिकल बैरियर है, दिस प्रिवेंट्स द स्पर्म टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द ओभा. ओके सर, चलिए कोई बात नहीं है.
सारे लोग मेरे को एक केमिकल का नाम बताइए जो कि स्पर्मिसाइडल होता है। चलिए चलिए, शॉर्ट आउट क्वेश्चन कमिंग अप, केमिकल विच इज स्पर्मिसाइडल। ओके, केमिकल दैट इज स्पर्मिसाइडल। वेटिंग फॉर द आंसर्स, वेटिंग फॉर द आंसर्स। ओके ओके ओके, कमॉन कमॉन कमॉन, गिव मी द आंसर। वाह वाह, मजा आ गया, वेरी गुड भाविनी भाविनी, वेरी गुड मैडम दिग्विजय। ओके मुकेश भगत, ओके सर, वेरी वेरी गुड। नॉन ऑक्सीनॉल, मैंने आपको बताया था अभी अभी अपने क्लासेस में, द आंसर इज नॉन ऑक्सीनॉल 9। ओके चलो, वेरी वेरी गुड, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ओके कम ऑन, ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अ कलर ब्लाइंड गर्ल, कलर ब्लाइंड गर्ल कब हो सकती है आपको बताना है, इज रेयर, ये कब हो सकती है इन सभी केसेस में, कब ऐसा होगा कि कलर ब्लाइंड गर्ल हो जाएगी। चलिए सर, कम ऑन आंसर दिस, कम ऑन आंसर दिस, दिस वाज अ एक्सेलेंट क्वेश्चन, मेरे को देख के अच्छा लगा, इस क्वेश्चन को देख के अंदर से अच्छी फीलिंग आई। ओके सर, ओके वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया, सारे लोगों ने बिल्कुल सही आंसर बताया इस क्वेश्चन का। बट देखिए, अगर आप रट के आए हैं इसको थोड़ा समझिए, कलर ब्लाइंड गर्ल है, कलर ब्लाइंड गर्ल के लिए इसका जेनोटाइप क्या होना चाहिए, XCXC। अब देखिए, जितनी भी लड़कियां होती हैं, लड़कियों के पास जो एक्स क्रोमोजोम आता है, एक एक्स क्रोमोजोम फादर का होता है और एक एक्स क्रोमोजोम मदर का होता है। तो स्टूडेंट, मान लीजिए ये एक्स फादर का है, मान लीजिए ये एक्स फादर का है, तो इसके फादर के पास कम से कम एक XCY तो होना ही चाहिए। तो मतलब फादर तो पक्का कलर ब्लाइंड होना चाहिए, अगर फादर कलर ब्लाइंड नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। और दूसरा एक्स इसको कहां से मिला है, दूसरा एक्स इसको मदर से मिला है। और स्टूडेंट्स यू शुड नो कि फादर अपने एक्स क्रोमोजोम को किसको ट्रांसफर करता है, फादर अपने एक्स क्रोमोजोम को अपनी बेटियों को ट्रांसफर करता है। तो स्टूडेंट्स, हर फादर शुड बी कलर ब्लाइंड। अब इसकी जो मदर है उसके पास भी एक एक्स ही होना चाहिए, वो कहां से आ सकता है, मदर के फादर से आ सकता है। तो स्टूडेंट, मैटरनल ग्रांड फादर, याद रखिए, अगर इसका फादर और मैटरनल ग्रांड फादर दोनों कलर ब्लाइंड हो जाए तो दिस इज अ पॉसिबल केस। ओके सर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके कम ऑन, ये क्वेश्चन तो सारे टेस्ट में है, ये वाला क्वेश्चन तो सारे के सारे टेस्ट में है। बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस इज अ गुड बायोपेस्टिसाइड। चलिए सर जी, आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग मेरे को बताइए कि इसमें जो तुम्हारा क्राई जीन है विच इज अगेंस्ट द कॉर्न बोरर्स, विच इज अगेंस्ट द कॉर्न बोरर्स। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। वेटिंग फॉर योर आंसर्स, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस सर, शॉर्ट आउट है, चलिए आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, वी आर गोइंग टू। ओके वेरी गुड, कृष्णा यादव, एक्सेलेंट जवाब, स्वाति ओराव, एक्सेलेंट जवाब, दिस इज गोइंग टू बी Cry1AB, Cry1AB इज फॉर द कॉर्न बोरर्स, जो सबसे पहला वाला जीन है वो कॉर्न बोरर्स के लिए है। कॉटन वॉल वॉर्म्स के लिए क्या है, Cry1AC एंड Cry2AB। तस्मिया मैडम, अपने आंसर को देखिए, आपने गलत आंसर दिया। ओके चलो, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, ये क्वेश्चन भी लगभग सारे पेपर में है, ये क्वेश्चन भी लगभग सारे पेपर में है।
द रीजन फॉर द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन द वर्ल्ड इज, एक्चुअली लास्ट क्लास में मैंने बोल दिया था कि बार बार ये इंडिया के बारे में क्यों पूछते हैं, तो ये लोग गुस्सा हो गए लगता है सुन के, तो चेंज कर दिया, चेंज करके वर्ल्ड लिख दिया, बोला अच्छा चलिए आप खुश रहिए सर आप वर्ल्ड आ गया। चलिए सर जी आंसर दिस, ओके यस सर जी, तो इंक्रीज इन द बर्थ रेट दैट इज द नेटेलिटी, इंक्रीज इन द बर्थ रेट नेटेलिटी, डिक्रीज इन द डेथ रेट दैट इज गोइंग टू बी द मोर्टेलिटी, दैट इज गोइंग टू बी द मोर्टेलिटी, दोनों ही तुम्हारा बेटर है। ओके चल लेट्स सी द नेक्स्ट वन, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एनक्लोज्ड बाई सिंगल मेम्ब्रेन, किसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, किसके पास सिंगल मेम्ब्रेन है, कम ऑन, वाह सिंगल मेम्ब्रेन है, ओके वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स, द लाइजोजोम्स हैव गॉट द सिंगल मेम्ब्रेन। चलिए आप लोग सारे के लिए क्वेश्चन है कि भाई कुछ और अदर का नाम बताइए, कुछ और अदर का नाम बताइए जिनके पास की सिंगल मेम्ब्रेन होना चाहिए। चलिए कम ऑन आंसर दिस, कम ऑन आंसर दिस, शॉर्ट आउट क्वेश्चन अगेन, सारे लोगों का नाम लिया जाएगा जो लोग भी बिल्कुल सही जवाब देंगे। वाह अमन मलिक, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन, अरे यार मैंने सिंगल मेम्ब्रेन पूछा सर, मैंने सिंगल मेम्ब्रेन पूछा, ओके वाह ओके 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 ओके, पढ़ते नहीं हो सर, पढ़ते नहीं हो, ओके लेट्स सी। तो स्टूडेंट्स जिन लोगों ने भी ये आंसर्स दिए हैं याद रखिए, द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स वैक्यूल लाइजोजोम्स गॉल्गी अपैरेटस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दे आर गोइंग टू बी द सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ओके याद रखिएगा। चलिए सर जी ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर से मैं क्या बोलूंगा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लोग बोलोगे सर अपना तो मेमोरी स्पेस ही बढ़ गया है। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, बताओ इतना इजी क्वेश्चन कोई पूछता है क्या, इतना इजी क्वेश्चन कोई पूछता है क्या, ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज राउंड एंड बाई कॉनकेव, राउंड है और बाई कॉनकेव है, मतलब अगर इसको ऊपर से देखोगे तो ऐसा है और अगर इसको इधर से देखोगे तो ऐसा है, तो भाई कौन है ये है हमारा आरबीसी। बट इतना इजी क्वेश्चन तो मैं नहीं पूछूंगा, शॉर्ट आउट क्वेश्चन कमिंग अप, व्हाट इज द साइज ऑफ द आरबीसी बताइए, व्हाट इज द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द आरबीसी, चलिए आंसर बताइए, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द आरबीसी, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द आरबीसी, वेटिंग फॉर द आंसर्स, वेटिंग फॉर द आंसर्स, डायमीटर डायमीटर बता दो यार, डायमीटर बता दो खुश हो जाऊंगा, डायमीटर बता दो खुश हो जाऊंगा। वाह ललिता वेरी गुड, ललिता मैडम मुकेश भगत काजल वर्मा सुजीत उपाध्याय वेरी वेरी गुड, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7.2 माइक्रोमीटर, 7.2 माइक्रोमीटर, ओके ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ओके चलिए सर जी लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप, डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस पूछा है, डायबिटीज इंसिपिडस किसके डेफिशिएंसी से होता है, किसके डेफिशिएंसी से होता है, कम ऑन आंसर दिस, कम ऑन आंसर दिस नाउ, ओके अरे भाई ये भावनी मैडम क्या हो गया आपको, क्या आंसर किया आपने, एल्डोस्टेरोन आंसर कर दिया अचानक से आपने एल्डोस्टेरोन आंसर कर दिया, पार्थ राजा आपने भी कर दिया यार, आपने भी कर दिया, ऐसे मत करो यार, प्लीज ऐसे ना करो, डायबिटीज इतना ज्यादा मतलब हड़बड़ाना, आंसर इज ADH एंटी डाइयूरेटिक, एंटी डाइयूरेटिक, ओके तो स्टूडेंट्स ये पता होना चाहिए,
चलिए कोई बात नहीं है, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आंसर दीजिएगा, दीजिएगा ना सर। ओके, अगर एल्डोस्टेरोन का डेफिशिएंसी हो जाए, अगर एल्डोस्टेरोन का डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन सा डिजीज होगा? चलिए कम ऑन एंसर मी, कौन सा डिजीज होगा, कौन सा डिजीज होगा? वेटिंग फॉर द आंसर्स। एल्डोस्टेरोन का डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? मोहित, वेरी गुड मोहित, वेरी गुड, एक्सलेंट जवाब, मोहित ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हाँ सर, सही लग रहा है क्या? देख लू यार, कहीं मैंने ठीक से तो देखा नहीं, अच्छा लगता है मैंने देखा नहीं सर। ओके ओके, और भी लोगों ने सही आंसर दिया है। ओह नहीं नहीं नहीं, मोहित का आंसर सही नहीं है, दूसरे लोगों का सही है, मैंने शायद गलती से नाम ले लिया। तो देखिए, एडिसन्स डिजीज इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द एल्डोस्टेरोन। ओके चलो, कुशिंग सिंड्रोम एक्सेस के कारण से होता है, ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के एक्सेस के कारण से कुशिंग सिंड्रोम होता है। यहां पे क्वेश्चन पूछा था मैंने, एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन मिनरल कॉर्टिकॉइड है, इसके डेफिशिएंसी से एडिसन्स डिजीज होगा। चलिए नेक्स्ट वन, चिपको मूवमेंट। चलो सर, ये तो भाई एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, वाह, इससे भी क्वेश्चन पूछता है, चिपको, चिपको मूवमेंट किसके लिए है भाई, किसके लिए है? तो ऑब्वियस है, दिस इज फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, भाई आपको फॉरेस्ट को बचाना है, ठीक है। जब भी कोई पेड़ काटने आए, आप उस ट्री से चिपक जाइए कि भाई पहले आपको काटो तब जाके पेड़ को काटो, बताइए। दिस इज द ब्रेवरी विच यू हैव टू शो, बड़ा डेंजरस है भाई, बड़ा डेंजरस है ये। ओके सर, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, कम ऑन, लेट्स सी द नेक्स्ट। मतलब आप खुद बताओ यार, काटने वाले ने काट दिया तो फिर क्या करेंगे यार, तो फिर क्या करेंगे? ओके, लेट्स सी एंड गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। All the features are for entomophilous flowers. All the features are for entomophilous flower. मतलब इंसेक्ट से जो पॉलिनेट होते हैं उनके फीचर हैं, एक्सेप्ट बताना है कि कौन सा फीचर इंसेक्ट वाला नहीं है, कौन सा फीचर इंसेक्ट वाला नहीं है। ओके okay. कौन सा फीचर इंसेक्ट वाला नहीं है? वाह, तो फ्लावर्स विथ एरोमा अट्रैक्ट करने के लिए होना चाहिए, पोलन ग्रेन विद द स्टिकी सरफेस होना चाहिए, फ्लावर्स शुड प्रोवाइड रिवॉर्ड टू द पॉलिनेटर होना चाहिए फॉर द इंसेक्ट, वर्सेटाइल स्टेमेन, मतलब बड़े साइज का स्टेमेन, ठीक है, एकदम लटकता हुआ झूलता हुआ स्टेमेन, तो ये जनरली फीचर होना चाहिए किसका सर? विंड पॉलिनेटेड। अगर विंड पॉलिनेटेड है तो द आंसर शुड बी द वर्सेटाइल स्टेमेंस। ओके चलो, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप ऑन द स्क्रीन। यस सर, ये क्वेश्चन न जाने मैंने अपने टेस्टों में कितनी बार कराया होगा। द सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली अ, चलो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट इज मेनली अ, आंसर दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन, सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट क्या है? तो सर जी, मैंने आपको बताया हुआ है कि फिजिकल प्रोसेस क्या होता है, फिजिकल इज द प्राइमरी, बायोलॉजिकल इज द सेकेंडरी, केमिकल इज द टर्शियरी। ओके, तो कभी भी क्वेश्चन पूछेगा कि सीवेज ट्रीटमेंट में कौन कौन से स्टेप, तो पहला स्टेप दैट इज द फिल्ट्रेशन एंड द सेडिमेंटेशन, वो तुम्हारा फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम लोग माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं, और जो टर्शियरी है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, वो केमिस्ट्री वाले सेक्शन में दिया होगा, दैट इज गोइंग टू बी अ केमिकल प्रोसेस। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब ये से इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता, पूरे इंडिया का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, विच स्ट्रक्चर ऑफ द लंग्स इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द ऑक्सीजन एंड CO2 एक्सचेंज बिटवीन द एयर एंड द ब्लड कैपिलरी, बताइए। दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन व्हाट कैन बी आस्क्ड, दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन।
ललिता, मैंने थोड़ी देर पहले वर्सेटाइल का मतलब बताया था, आपने सुना नहीं। ओके चलिए, तो आंसर इज द एल्वियोलाई। तो क्वेश्चन चेंज, साउट आउट क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ एल्वियोलाई, आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई। चलिए बताइए, बताइए टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई, एवरीवन, टोटल नंबर ऑफ एल्वियोलाई, टेल मी द आंसर। जो सही बताएगा उसका नाम लिया जाएगा, उसका नाम लिया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ द एल्वियोलाई। वाह, कृष्णा यादव ने एकदम दिल जीत लिया, वेरी लार्ज नंबर। वाह कृष्णा यादव, 300 मिलियन, दिग्विजय 300 मिलियन, तास्मिया 300 मिलियन, वेरी गुड, 300 मिलियन, यस सर, याद होना ही होना चाहिए। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबडी। यस सर, गो फॉर दिस। इन विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड द सीमेन विल बी विदाउट स्पर्म, सीमेन होना चाहिए बट सीमेन में देयर शुड बी नो स्पर्म्स, सीमेन में देयर शुड बी नो स्पर्म्स, कम ऑन आंसर दिस, आंसर दिस, वेटिंग फॉर द आंसर्स, वेटिंग फॉर योर आंसर्स एवरीवन, कम ऑन जल्दी जल्दी गो फॉर द आंसर्स। इन विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड द सीमेन शुड बी देयर बट देयर शुड बी नो स्पर्म। ओके गुड गुड, एक्सेलेंट जवाब, द आंसर इज द वैसेक्टोमी, द आंसर इज द वैसेक्टोमी, बट क्या ये इमीडिएट होगा, तो याद रखिए नॉट इमीडिएटली, नॉट इमीडिएटली, मैंने कुछ दिन पहले भी ये क्लास में बताया था, ठीक है, कि भाई कुछ दिन लगते हैं, कुछ दिन लगते हैं, उसके बाद ये हो पाता है, क्योंकि जो पार्ट भाज डिफरेंस का आगे है वहां पर भी कुछ स्पर्म्स आर प्रेजेंट, इजेकुलेटरी डक में स्पर्म्स आर प्रेजेंट, तो इसीलिए कुछ दिनों तक स्पर्म्स विल बी देयर। ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबडी, कम ऑन। ओके चलो आंसर दीजिए, ये क्वेश्चन भी बताइए कितनी बार मैंने कराया होगा, द टोटल नंबर ऑफ टीथ विच कम्स ओनली वंस इन द लाइफ स्पैन, आपके लाइफ स्पैन में केवल एक ही बार आता है, मतलब क्वेश्चन पूछा है मोनोफायोडोंट, कितने दांत ऐसे होते हैं जो कि मोनोफायोडोंट होते हैं, हाउ मेनी टीथ आर मोनोफायोडोंट। चलिए चलिए, कम ऑन गो फॉर दिस। ओके सर, वेरी वेरी गुड, तो यू हैव गॉट द 12 teeth, you have got the 12 teeth. 12 teeth में कौन कौन से होते हैं यार, मैंने बार बार बताया है कि this is going to be the all premolars, सारे के सारे premolars and the last pair of molars, the last pair of molar. Okay, चलो excellent answer. चलिए students, let's move to the next question again. ओके, ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जल्दी से आंसर दीजिए। व्हेन सिनेप्सिस इज कंप्लीट, जब तुम्हारा सिनेप्सिस कंप्लीट हो जाएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिनेप्सिस कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आप कौन से स्टेज में एंटर करते हैं, कौन से स्टेज में एंटर करते हैं, थोड़ा सोच के आंसर करो यार, थोड़ा सोच के आंसर करो। विनायक सिंह, जाइगोटिन में तो सिनेप्सिस होगा, सिनेप्सिस कंप्लीट हो चुका है, तो अब बारी किसकी है, अब बारी है क्रॉसिंग ओवर की, और क्रॉसिंग ओवर किस में होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है पैकिटिन में, ठीक है, तो थोड़ा सा देख के फिर जाकर आंसर कीजिए। ओके सर, आपको आता सब है, चलो सर कोई बात नहीं है, मेरे को क्वेश्चन बताइए कि कौन से स्टेज में क्या पूछा जाए। यस सर, चलिए कौन से स्टेज में आपको कायज़माटा दिखेगा, कौन से स्टेज में कायज़माटा दिखेगा, चलो बताओ कौन से स्टेज में दिखेगा। चलिए आंसर कीजिए।
Okay, very, very good. Very, very good. The chiasmata will be visible in the diplotene phase. In the diplotene phase. Diplotene में chiasmata दिखेगा और इस question का answer है pachytene. इस question का answer है pachytene. ठीक है. चल. Go for this one. चलिए ये भी मजेदार question था. हम लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस किया है. हम लोगों ने बहुत बार प्रैक्टिस किया है. मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू. तो सर आपको देखना है कि कौन कौन किसके एग्जांपल्स हैं. एनसीईआरटी में सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं. सारे के सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं. गो फॉर द आंसर्स. गो फॉर द आंसर्स. कम ऑन. ओके, तो देखिए ये जो फेकोफाइसिए है, फेकोफाइसिए ये हो जाएगा तुम्हारा ब्राउन अलगे. ये हो जाएगा ब्राउन अलगे. तो ब्राउन अलगे कौन है भाई इसमें. ब्राउन अलगे सब कौन कौन सा है. यू हैव एक्टोकार्पस डिक्टियोटा लैमिनेरिया. ओके, एक चीज तो तुम फट से पकड़ सकते हो. ये टेरिस दिया हुआ है तो दिस इज गोइंग टू बी द टेरिडोफाइट्स. ओके, देन रेड अलगे कौन सा है भाई. यहां पे रेड वाले सब कहां हैं. तो रेड अलगे रोडोफाइसिए पोलिसिफोनिया पोरफाइरा एंड ग्लेसिरेरिया. तो दैट इज गोइंग टू बी देयर. द आंसर विल बी 1-1. ठीक है, तो दिस इज द आंसर. ये याद रखिएगा. ये क्वेश्चन बार बार आता है. ये क्वेश्चन बार बार आता है. चलो लेट्स सी द नेक्स्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन कमिंग अप ऑन द स्क्रीन. ये क्वेश्चन तो पहले टेस्ट में भी था, बस अलग तरीके से था. तुमको टीसीए साइकिल में FADH2 कब बनता है. टीसीए साइकिल में FADH2 कब बनता है. चलिए बताइए. कम ऑन एवरीवन. इन टीसीए साइकिल FADH2 इज फॉर्म्ड. ओके, एक ही स्टेप ऐसा है दैट इज गोइंग टू बी द कन्वर्जन ऑफ द सक्सनिक एसिड टू द फ्यूमैरिक एसिड. कन्वर्जन ऑफ द सक्सनिक एसिड टू द फ्यूमैरिक एसिड. ओके, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये वाला रिएक्शन है. आपको याद होना चाहिए कि जो सक्सिनेट से फ्यूमारेट बनता है तो इसमें तुम्हारा कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व है. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज. ठीक है, सारे लोग मेरे को एक आंसर बताइए इस क्वेश्चन में. एक शॉर्ट आउट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं. सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज का कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का नाम बताइए. इसके कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का नाम बताइए. चलिए देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं. कम ऑन, टेल मी द कॉम्पिटिटिव इनिबिटर. ओके, वेरी वेरी गुड. सबसे पहले आंसर दिया अनुपमा ने, देन दिग्विजय ने. ओके, वेरी गुड. तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी द मैलोनेट. ओके, दैट इज द मैलोनिक एसिड. मैलोनिक एसिड इज गोइंग टू बी द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर. ओके, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्लाज्मा रिसेंबल्स इट्स कॉम्पोजिशन. प्लाज्मा रिसेंबल्स इट्स कॉम्पोजिशन टू द फिल्ट्रेट प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लोमेरुलस एक्सेप्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ. मतलब जब यहां पर फिल्ट्रेशन होती है तो क्या चीज फिल्टर नहीं हो पाता है. स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड टू यू. ओके, वेरी वेरी गुड. तो स्टूडेंट्स, द प्रोटीन्स आर नॉट एबल टू गेट फिल्टर्ड क्योंकि इनका जो साइज होता है वो बड़ा होता है. ठीक है, तो सारे लोग याद रखिएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं. आंसर मी दिस क्वेश्चन. अगर क्वेश्चन में दिया रहे प्लाज्मा माइनस लार्ज साइज प्लाज्मा प्रोटीन. ओके, तो स्टूडेंट इसको हम लोग क्या बोलेंगे. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दिस इज गोइंग टू बी द टिश्यू फ्लूइड.
टिश्यू फ्लूइड, ये हो जाएगा टिश्यू फ्लूइड। और यही क्वेश्चन अगर पूछे प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन, तो स्टूडेंट सेम आंसर विल बिकम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, सेम क्वेश्चन विल बिकम द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ओके, तो ठीक से पता होना चाहिए। नहीं नहीं, जो लोग भी बोल रहे हैं, सीरम, उनके लिए देखिए, वो भी लिखिए। देखिए सीरम क्या होता है, सीरम होता है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर। ओके, ये होता है सीरम। आपको सब पॉइंट पता होना चाहिए। मैंने आपको तीन आंसर बताए, तीन के तीनों याद रखिएगा। ओके, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट वन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, किसके पास वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, विच वन ऑफ देम हैज द मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल। ओके, कम ऑन, गो फॉर द आंसर। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, हाय काजल वर्मा, ओके एक्सलेंट जवाब पीयूष, ओके गुंजन यादव, जितेंद्र गुप्ता, पॉलीपॉल, ओके सर वेरी वेरी गुड। प्योर वाटर कितना होता है भाई, कितना होता है जीरो। मतलब ये देख के ना मेरे को अच्छा लगता है, मतलब अगर एग्जाम में आपने जीरो नंबर लाया तो आपका मैक्सिमम परफॉर्मेंस है, आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव हो गया तो आप उससे नीचे चले गए। काश नीट में भी ऐसा होता कि भाई जीरो लाया तो रैंक वन, नेगेटिव में आया तो ही पीछे जाएगा, तो मजा आ जाता है एकदम। चलिए सर जी, ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप ऑन द स्क्रीन, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है रीड करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से हम लोग सल्टा देते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द फूड प्लांट्स, ओके, डेवलप्ड बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग इज नॉट डिजायरेबल। आप नहीं चाहते हैं कि फूड प्लांट्स को जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना के हम लोग ह्यूमंस पे इंट्रोड्यूस करें, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि ट्रांसजेनिक फूड्स जो होते हैं ना, वो लोग कभी कभी ह्यूमन के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं या एलर्जिक हो सकते हैं, या फिर जो जीन हम लोग ट्रांसजेनिक फूड को प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने उसे किसी चीज का रेजिस्टेंस दे दिया, अब वो रेजिस्टेंस वाला जो जीन है वो हमारे इंटेस्टिन में जो बैक्टीरिया रहते हैं उनके पास जा सकता है और वो लोग भी रेजिस्टेंट हो सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा कि बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस चला आएगा और उनको किल कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, तो इसका आंसर ये है, आप लोग इसको बाद में रीड कर लीजिएगा। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर दिस। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन। एन इंस्टीट्यूशन वेयर द वैल्यूएबल प्लांट्स मटेरियल लाइकली टू बिकम इररिट्रीवली लॉस्ट इन द वाइल्ड और कल्टिवेशन इज प्रिजर्व इन द वायबल कंडीशन इज नोन एस। ओके, दिस वॉज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। ओके सर, पीडीएफ कैसे डाउनलोड करें? आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखो, वहां पे मैं पीडीएफ शेयर करता हूं, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ऐप से डाउनलोड नहीं होगा। चलिए, तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे इसका आंसर होगा समथिंग कॉल्ड एज द जीन बैंक। इसका आंसर होगा जीन बैंक, जहां पे हम लोग ऐसे प्लांट्स के जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन यहां पे था इररिट्रीवली, मतलब बहुत जल्दी इरिवर्सिबल फेज में ये डिसअपीयर होने वाले हैं, मतलब एक तरह से देखा जाए तो दिस इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बारे में बोल रहा है। तो जो लोग भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है उनके जेनेटिक मटेरियल को प्रिजर्व करके रखना बहुत जरूरी है। चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो भाई हमेशा आप लोग के पास आते रहता है कि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है वैस्प और फिग के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, वैस्प और फिग के बीच में कैसा रिलेशनशिप है।
तो ये जो रिलेशनशिप है स्टूडेंट, दिस इज गोइंग टू बी अ म्यूचुअलिज्म, दिस इज गोइंग टू बी अ म्यूचुअलिज्म टाइप. ओके, चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट वन, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन द स्क्रीन फॉर एवरीबडी. हाँ, इस क्वेश्चन को देखिए. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर लैक ऑपेरॉन. लैक ऑपेरॉन के लिए इनकरेक्ट बताना है. याद रखिए, आपको लैक ऑपेरॉन के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. लेट्स सी. इट इज अ यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन, इट इज अ यूनिट ऑफ जीन एक्सप्रेशन एंड रेगुलेशन फॉर लैक्टोज सुगर मेटाबॉलिज्म इन द इकोलाई. ओके, यस सर. लैक्टोज का यहां पे क्या होता है? लैक्टोज का यहां पे कैटाबॉलिज्म होता है. लैक्टोज का किस टाइप का मेटाबॉलिज्म है? कैटाबॉलिज्म. लैक्टोज सुगर एंटर्स द सेल ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ परमिएज. परमिएज नाम के एंजाइम से आता है. परमिएज कहां से आता है? वाई जीन. ऑपरेटर्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द प्रोमोटर एंड द स्ट्रक्चरल. मैंने कितनी बार आपको सिखाया है, याद करके रखना, SOPR. तो स्टूडेंट, जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर किसके किसके बीच में है? प्रोमोटर और स्ट्रक्चरल के बीच में. सही है, मतलब यही वाला गलत है. तो क्या गलत है इसमें? जेड कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, वाई कोड्स फॉर अभी बताया परमिएज, तो ये गलत है. एंड ए कोड्स फॉर परमिएज. नो सर, वाई कोड्स फॉर परमिएज एंड ए कोड्स फॉर ट्रांस एसिटाइलेज. ओके, चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टूडेंट कम ऑन, गो फॉर दिस जल्दी से. ये क्वेश्चन भी एक दूसरे फॉर्म में प्रीवियस पेपर में था कि कौन सा इनकरेक्ट है. उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछा गया है. A sugary solution is changed to the vinegar by the action of. चलिए सर, waiting for your answers. Okay, very very good. Acetobacter acidity will be the answer here. Okay, चलो let's see the next one. Which one of the following engulfs the pathogen rapidly? कौन सा इसमें pathogen को engulf करता है? मतलब कौन सा इसमें phagocytosis करता है? चलिए बताइए answer इसका. तो इसका answer होगा क्या? इसका answer क्या होगा? अंकिता, अनुपमा, okay, very good. चलिए, good. The answer for this question is the neutrophils. इसका answer monocyte भी हो सकता था. Students, आप लोग के लिए एक shout out question आ रहा है. Shout out question, बताइए कि भाई parasitic infections में बॉडी में किसका नंबर इंक्रीज होगा? कौन सा WBC का नंबर इंक्रीज होगा इन द पैरासिटिक इंफेक्शंस? ओके, इन द पैरासिटिक इंफेक्शंस. चलिए कम ऑन आंसर दिस जल्दी से एवरीवन. वेरी गुड काजल वर्मा, एक्सेलेंट जवाब. अनुपमा, तस्मिया न्यूरैन, ओके, ममता, वेरी वेरी गुड. तो स्टूडेंट्स, द आंसर फॉर द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी पैरासिटिक में जो तुम्हारे एसिडोफिल्स हैं, दैट इज द इओसिनोफिल्स. दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ऑन द स्क्रीन. कम ऑन, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन है यार. ये जिसे नहीं भी आता फिर भी आंसर कर सकते हो. द फर्स्ट इवेंट इन द फोटोसिंथेसिस. सबसे पहला इवेंट बताना है फोटोसिंथेसिस में. ओके, वेरी वेरी गुड. तो यार, सबसे पहले लाइट गिरेगी क्लोरोफिल पे, फोटो एक्साइटेशन होगा और इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड आउट.
तो द फोटो एक्साइटेशन ऑफ द क्लोरोफिल एंड द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट इवेंट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप ऑन द स्क्रीन फॉर ऑल ऑफ यू। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ये तो देख के मेरे को बड़े हंसी आई। ओके, डाइसियस हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन एनिमल्स, ऐसा क्यों भाई, प्लांट्स के साथ क्या प्रॉब्लम है? डाइसियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन ओनली इन प्लांट्स, एनिमल्स के साथ क्या प्रॉब्लम है? डाइसियस ऑर्गेनिजम्स आर सीन इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड बाय कौन सा इसमें एंटीबॉडी सिंथेसाइज करता है? चलिए इसमें सबको पता है आंसर है लिम्फोसाइट, सबको पता है। आंसर चेंज कर रहे हैं, एक नंबर है स्टूडेंट फॉर द सी लिम्फोसाइट, दो नंबर है फॉर द बी लिम्फोसाइट, तीन नंबर है फॉर द टी लिम्फोसाइट और चार नंबर है फॉर द डी लिम्फोसाइट। चलिए अब बताइए इसका आंसर कि कौन से लिम्फोसाइट है भाई, कौन से लिम्फोसाइट है? ओके वेरी वेरी गुड अनुपमा, द आंसर हेयर इज गोइंग टू बी द बी लिम्फोसाइट्स, आंसर हेयर इज गोइंग टू बी द बी लिम्फोसाइट्स। याद रखिएगा, इनको हम लोग प्लाज्मा सेल्स भी बोलते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा सेल्स। ओके चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर टेलीग्राम चैनल का नाम बता दो सर, सिटी ऑफ बायोलॉजी और दूसरा टेलीग्राम, इसका लिंक दिया हुआ है हमारे वीडियो के नीचे में, लिंक दिया हुआ है, ठीक है? ओके चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप। ओ माइलिन आ गया सर। माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स आर व्हाइट इन कलर, जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं ये व्हाइट इन कलर होते हैं। व्हाई दे आर व्हाइट इन कलर, कम ऑन एवरीवन, जल्दी से देखिए, लिंक हमने शेयर कर दिया है, अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक शेयर कर दिया है। ओके जल्दी से उसे ज्वाइन कीजिए। ओके आंसर मी दिस वन कि भाई ये जो माइलिन है ये व्हाइट कलर का क्यों है, भाई ये माइलिन व्हाइट कलर का क्यों है? याद देखिए, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द माइलिन। वाह क्या मजा आ गया भाई, माइलिन इज व्हाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइलिन, ऐसा क्यों है? माइलिन क्या चीज का बना हुआ है? ये बना हुआ है फॉस्फोलिपिड का। याद रखिए स्टूडेंट, एग्जाम में इतना इजी नहीं आएगा, थोड़ा सा चेंज करके आएगा। ये फॉस्फोलिपिड का बना हुआ है, लिपिड है ना यार, तो लिपिड कैसा होता है? चिकना होता है, तो ये देखने में साइनी होता है, ये देखने में साइनी सिल्वरी होता है, ठीक है? तो जो सिल्वर व्हाइट होता है उसके जैसा ये देखने में लगता है। और स्टूडेंट्स इसी कारण से ये जहां भी प्रेजेंट रहेगा वो कौन सा मैटर होगा? वो होगा व्हाइट मैटर। ओके चलिए वेरी वेरी गुड, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कम ऑन, वाह ये क्या क्वेश्चन है सर। द कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरमेंट टू पुल अ लिमिटेड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज नोन एज द कैपेसिटी ऑफ एन एनवायरमेंट टू पुल अ, क्योंकि हर एनवायरमेंट के पास क्या होता है, इसके पास लिमिटेड फूड एंड स्पेस होता है। हर एनवायरमेंट के पास फूड और स्पेस लिमिटेड है, तो स्टूडेंट्स ये चीज लिमिटेड है तो आप इंफिनिटी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स को सपोर्ट नहीं कर सकते। यू शुड हैव समथिंग कॉल्ड द कैरिंग कैपेसिटी। ओके तो आंसर विल बी दिस वन। चलिए लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कम ऑन गो फॉर दिस। एनाबॉलिज्म, सर जी ये एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म मतलब सिंथेसिस। ओके तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो एनाबॉलिज्म होता है, ओके कम ऑन।
ओके तो देखिए, जब भी आप सिंथेसिस करेंगे ना, तो स्टूडेंट्स होता क्या है, मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू गो फॉर अ इनपुट ऑफ द एनर्जी, यू हैव टू गो फॉर द इनपुट ऑफ द एनर्जी। अभी आप खुद देखिए यार, कि आप लोगों को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए आपको कितना ज्यादा एनर्जी को इनपुट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बी द एंड्रोजेनिक प्रोसेस। ओके चलिए, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके राजेंद्र चौहान, राजेंद्र चौहान ने बोला सर एक बार तो नाम लो यार। अरे यार चलो, जिसका जिसका नाम नहीं लिया है यार, एक बार कमेंट सेक्शन में बोल देना, जरूर नाम लेंगे, जरूर नाम लेंगे। ओके चलिए, सेमिनल प्लाज्मा इन द ह्यूमन मेल्स, ओके सेमिनल प्लाज्मा इन द ह्यूमन मेल्स इज रिच इन, इज रिच इन सेमिनल प्लाज्मा। याद रखिए, ये रिच होता है फ्रक्टोज में और ये रिच होता है कैल्शियम में, ठीक है। ये आपको एकदम इजी सा क्वेश्चन है। चलिए स्टूडेंट्स, एक बार सारे लोग थोड़ा सा ध्यान से मेरे को बताएंगे कि जो सेमिनल प्लाज्मा होता है इन द ह्यूमन मेल, ये स्टूडेंट आखिर कहां से आता है, ये कहां से आता है सेमिनल प्लाज्मा। हम लोग ये जो वर्ड यूज करते हैं, ये किसके लिए करते हैं? तो स्टूडेंट आपके पास सेमाइनल वेसिकल है, उसका सिक्रीशन है, आपके पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है, उसका सिक्रीशन है, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है, ये सारे सिक्रीशंस मिलके सेमाइनल प्लाज्मा बनाते हैं। ये कभी मत सोचिएगा कि भाई केवल और केवल सेमाइनल फ्लूइड आया और वो सेमाइनल प्लाज्मा हो गया, ठीक है। तो सेमाइनल प्लाज्मा कहां कहां से आता है, बस स्पर्म को हटा दीजिए और जितने भी चीज बचे, एवरीथिंग विल बी कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेमाइनल प्लाज्मा। चलिए Let's see the next question now। ये question पिछले टेस्ट में भी था, मेरे ख्याल से ये question पिछले टेस्ट में भी था। Which is correct about the mechanism of hormone action in the human? तो students मैंने आपको सिखाया था कि जो यहाँ पे question है कि correct है, glucagon is secreted by, तो this is secreted by the alpha cells। सिक्रीशन ऑफ थाइमोसिन इज स्टिमुलेटेड विथ एजिंग, नो सर दिस इज गोइंग टू डिक्रीज विथ एजिंग, ये एजिंग के साथ डिक्रीज करेगा। इन फीमेल एफएसएच फर्स्ट बाइंड्स विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द फॉलिकुलर, यस सर जो एफएसएच होता है, ये जो एफएसएच होता है ये प्रोटीनेशियस हार्मोन है। कैसा हार्मोन है? प्रोटीनेशियस, और प्रोटीनेशियस हार्मोन होने के कारण से ये सेल मेम्ब्रेन पे पहले आके बाइंड करेगा, क्योंकि इसका रिसेप्टर वहीं पे है, ठीक है। ओके लेट्स गो फॉर दिस वन, करेक्ट वन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन को देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, कौन सा इसमें प्लांट लाइक प्रोटिस्ट नहीं है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट, नॉट अ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ओके हाँ यार, बहुत सारे क्वेश्चंस एनटीए भी रिपीट कर रहा है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस डिफरेंट पेपर में रिपीट हुए हैं। ओके वेरी वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द स्लाइम मोल्ड, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी द स्लाइम मोल्ड। नाउ व्हाई, क्वेश्चन क्या था कि प्लांट लाइक नहीं है, तो यस सर जो स्लाइम मोल्ड होता है, ये सबको पता है कि ये सेप्रोफाइटिक होता है, ये सेप्रोफाइटिक होता है। ये जो स्लाइम मोल्ड होता है, इसके पास देयर इज नो क्लोरोफिल, इसके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो स्टूडेंट इसके पास जो फीचर्स हैं वो फंगस से मैच करते हैं, तो इस कारण से ये प्लांट लाइक प्रोटिस्ट नहीं है। और तीन डी याद कर लीजिएगा कि ये तीनों डी जो हैं, डेसमिड डिनोफ्लेजेलेट डायएटम, दे आर गोइंग टू बी द प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। ओके चलो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इन ऑर्डर बताइए, ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से अभी तक जितना भी टेस्ट हुआ है सारा में ये क्वेश्चन है। In order to obtain a virus-free plant through the tissue culture, the best method is, सबसे अच्छा method कौन सा है? तो students, the answer is the meristem culture। अब तो एकदम रटा गया है, either the apical meristem होगा फिर भी answer होगा,
एक्सिलरी मेरिस्टम होगा फिर भी आंसर होगा, दोनों में होगा। मेरिस्टम इज रिच इन ऑक्सिन, इस कारण से जो मेरिस्टम होता है ये रैपिड डिवाइड करता है और इसी कारण से हम लोग इसको डिजीज फ्री प्लांट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट वन। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट कैन बी एक्सक्लूसिवली सीन इन द एंजियोस्पर्म, कौन सा फीचर है जो कि एंजियोस्पर्म के लिए एक्सक्लूसिव है? अब ये नहीं बताया तो क्या बताया सर, ये नहीं बताया तो क्या बताया? चलिए कम ऑन, गो फॉर दिस। फ्रूट फ्रूट फ्रूट, सारे लोग अब आ रहे हैं फ्रूट लेके आंसर, वेरी गुड भाई। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है फ्रूट, ओके सर, वेरी वेरी गुड। जिम्नोस्पर्म के पास फ्रूट नहीं होता है, वाई? एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, बताइए तो वाई जिम्नोस्पर्म्स के पास फ्रूट नहीं है? जिम्नोस्पर्म्स के पास फ्रूट नहीं है, वाई? वाई, कम ऑन आंसर मी दिस, कम ऑन आंसर मी दिस, वाई जिम्नोस्पर्म डू नॉट हैव अ फ्रूट? जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ, फ्रूट लेके नहीं आए हैं। ओके ओके सर जी, सीड्स नॉट एनक्लोज, नेकेड सीड्स, अनफोल्डेड, ओब्यूल चेंज, ओके सीडलेस, ओके नो ओब्यूल्स, नो ओब्यूल्स, ओके सर। पेरिकार्प लेस डेवलप्ड, दे लैक द सीड्स, सीड्स नॉट एनक्लोज्ड, लैक ऑफ ओवरी, बाबा रे। चलो सर, सारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन दैट यू कैन गेट एवर। यूस्टेचियन कैनाल, यूस्टेचियन कैनाल कनेक्ट, यूस्टेचियन कैनाल किसको किससे कनेक्ट करता है? यूस्टेचियन कैनाल, यस सर सूर्याकांत, बिल्कुल सही बताया, दे डोंट हैव ओव्यूल्स, ओके वेरी गुड। यूस्टेचियन ट्यूब किसको किससे कनेक्ट करता है? यूस्टेचियन ट्यूब, ओके गुड। चलिए सर, तो द आंसर विल बी द मिडिल ईयर को ये कनेक्ट करता है किसके साथ? फेरिंग्स के साथ। याद रखिएगा कि दिस इज गोइंग टू ओपन इनटू द फेरिंग्स, और ये क्या काम क्या है? तो दिस इक्वलाइजेस द प्रेशर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इसका काम क्या है, कि ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के दोनों साइड प्रेशर को इक्वलाइज करके रखता है। चलिए, वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इस क्वेश्चन को बताओ, ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या अंतर है? ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या अंतर है? जल्दी से आग लगाकर बता दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। ओके एवरीवन, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस ब्यूटिफुल क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? ब्रायोफाइट्स डिफर फ्रॉम द टेरिडोफाइट्स, ओके सर, यस सर। ब्रायोफाइट्स के पास किसी भी तरह का वैस्कुलर टिश्यू नहीं है, ब्रायोफाइट्स के पास किसी भी तरह का वैस्कुलर टिश्यू नहीं है। स्टूडेंट्स वी नीड टू बी फास्ट, दूसरा क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ओके, इन जिम्नोस्पर्म लाइक द पाइनस एंड द साइकस द एंडोस्पर्म इज, जिम्नोस्पर्म में जो पाइनस है और जो साइकस है इनके फीचर्स कैसे हैं? ओके चलिए बताइए, द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कैसा है इनका? ओके ओके, कमॉन 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 सर, आग लग गई है। आग तो लगनी ही चाहिए सर, हम इंडियंस का यही तो प्रॉब्लम है, आग लगती है तभी रॉकेट निकलता है, तभी तो रॉकेट निकलता है। ओके मजा आता है सर, ओके सर, वेरी वेरी गुड। ओके हैप्लॉइड है सर, हैप्लॉइड है सर, ओके यस सर। याद रखिएगा कि जिम्नोस्पर्म लाइक द पाइनस एंड द साइकस, इसके पास जो तुम्हारा एंडोस्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है। जो लोग भी ट्रिप्लॉइड आंसर दे रहे हैं, याद रखिएगा एंजियोस्पर्म का ये फीचर है, एंजियोस्पर्म होता तो ये ट्रिप्लॉइड होता, ये क्वेश्चन भी हमेशा आता है, ये क्वेश्चन भी हमेशा आता है। ठीक है, ओके चलिए, लेट सी द नेक्स्ट वन, लेट अस सी द नेक्स्ट वन। इस क्वेश्चन को बताइए, ये इजी सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। व्हेन अ न्यूरॉन इज इन द रेस्टिंग स्टेज, कौन से स्टेज में? रेस्टिंग स्टेज में है, मतलब
ये किसी भी प्रकार का इंपल्स कंडक्ट नहीं कर रहा है, ये मैंने डू और डाई में बताया था, डू और डाई में बताया था। चलिए आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए इसका। सर नीट का कट ऑफ क्या होगा? देखिए सर मैं बार बार बोलता हूं, कट ऑफ्स मैं बताता हूं बट मैं एग्जाम के दिन बताता हूं, और सारे लोग बताते हैं एग्जाम से पहले और फिर एग्जाम के बहुत दिन के बाद। ठीक है, जब तक क्वेश्चन पेपर हाथ में नहीं होगा तब तक मैं कट ऑफ कैसे बता सकता हूं। नो डाउट लास्ट 3 ईयर से अगर आपने मेरे को यूट्यूब में फॉलो किया है, मैंने हर बार कट ऑफ को एग्जाम के दिन सही प्रेडिक्ट किया है, इस बार भी करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन पेपर तो आने दीजिए, पहले क्वेश्चन पेपर तो आने दीजिए। इसका आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। ओके सो स्टूडेंट्स याद रखिए, रेस्टिंग स्टेज में जो मेम्ब्रेन होता है वो ज्यादा परमिएबल होता है, दैट इज मोर परमिएबल फॉर द पोटेशियम, दिस इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल फॉर पोटेशियम एंड नियरली इम्परमिएबल फॉर सोडियम, दिस इज नियरली इम्परमिएबल फॉर सोडियम। ओके चलिए सर जी लेट्स मूव। ओके सर तो अब आज के सेशन को यहां एंड करते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज साइमल्टेनियसली हमारा एक और सेशन चल रहा है एंड दैट इज द फिजिक्स का क्लास। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, उन क्वेश्चंस को भी मैं करा दूंगा, नो डाउट अबाउट दैट, कुछ क्वेश्चंस बाकी है उन्हें भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सारे लोग इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखे, दिस इज द फोन नंबर जिसमें कि आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन अन अकेडमी, या फिर अगर आपको अन अकेडमी के फीचर्स के बारे में कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी। एंड स्टूडेंट जब भी ज्वाइन करे ऑलवेज यूज दिस कोड RKSIRLIVE, या देखिए इस कोड को यूज करने से आपका जो प्राइस है वो 10% लेस हो जाता है। ठीक है, ओके सर आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, थोड़ा मैं भी थक गया हूं यार, और दूसरी क्लास भी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ओके बाय बाय, थैंक यू, इट वाज ऑसम क्लास, इट वाज ऑसम क्लास। इसका PDF हम लोग शेयर कर देंगे, इसका PDF हम लोग शेयर कर देंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह से आपको पूरा का पूरा पेपर जो NTA का है ना उसे पूरी तरह से रिवाइज करना है कॉन्सेप्ट्स के साथ, केवल आंसर मत याद कीजिए, केवल आंसर मत याद कीजिए, यू शुड एंड शुड गो फॉर दैट कॉन्सेप्ट कि कहां से वो क्वेश्चन पूछा गया है और उसे जरूर डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपको एक एडवांटेज होगा। और स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई देखिए अब ऑफलाइन क्लासेस यार स्टार्ट होने वाले नहीं है, अगर आप 21 या 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना यार, ज्वाइन अन अकेडमी, दैट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म दैट यू कैन गेट, बिलीव मी। मैं खुद पढ़ा रहा हूं, मैं खुद यहां पढ़ा रहा हूं, और भी अच्छे अच्छे फैकल्टीज हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज वन ऑफ द ऑसम, आप यहां पे बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस में, कॉस्ट भी आप देखिए कि कॉस्ट भी बहुत कम है। आप किसी भी ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करने जाओ उनका 1 ईयर का फीस 1 लाख प्लस ही रहता है, यहां पे 1 ईयर का फीस आफ्टर डिस्काउंट 25 से 26 हजार रुपए आता है, और 2 साल का तो मेरे को समझ भी नहीं आता अन अकेडमी वालों ने इतना कम फीस क्यों रखा है कि 2 साल का आफ्टर डिस्काउंट दिस बिकम्स 31-32,000 रुपीस ओनली, 32,000 रुपए में 2 साल। और अन अकेडमी पे लगभग याद रखिए स्टूडेंट्स कि 15-16 घंटे क्लासेस चलते रहते हैं, आप किसी से भी क्लास कर सकते हैं, किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं, ऑल द ऑसम फैकल्टीज फ्रॉम कोटा, फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया, बहुत ही ऑसम प्लेटफॉर्म है, क्विजेस मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, टेस्ट होता है, हर चीज, डाउट डिस्कशन है, इतना ज्यादा फीचर आपको कहीं नहीं मिलेगा एट सच अ मिनिमल कॉस्ट, एंड द कोड इज RKSIRLIVE। इस कोड को यूज कीजिए, क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, यू विल एंजॉय। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट।